हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। आप सभी को हरियाणा एट 9 PM टीम की तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और खूब उन्नति भरा हो। आप व आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे। वर्ष 2022 खरखुदा को ये ऐतिहासिक यादगार दे गया। 28 अगस्त को खरखुदा के लिए ऐतिहासिक मारुति प्लांट की आधारशिला रखी गई। चेयरमैन राजवीर दहिया की धर्मपत्नी मोनिका दहिया खरखुदा इलाके का नाम रोशन करने वाली पहली महिला बन गई है, जो जिला परिषद की चेयरपर्सन बनी है। खरखुदा नगर पालिका की तरफ से शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए 16 कॉलोनियों का नक्शा भेजा गया, ताकि सभी कॉलोनी पास हो सके। खरखुदा वासियों को मटिंडू बाईपास पर खेल स्टेडियम की सुविधा हुई। इसी बाईपास चौराहे पर पार्क का निर्माण हो रहा। कुंडली पलवल एक्सप्रेस वे पर पंजाब के गायक दीप सिंह की सड़क हादसे में मौत हुई। कन्या कॉलेज में वोट बनाने का मामला समिति कोर्ट तक पहुंच गया व चर्चा का विषय बना। पर्वतारोही नीतीश मटिंडू की क्लाइंबिंग के दौरान उत्तराखंड में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से मौत हुई। खरखुदा नगर पालिका को अपना नया दफ्तर जयनारायण धर्मशाला के पीछे मिल गया। जिस सामुदायिक केंद्र में नगर पालिका कार्यालय पहले चला हुआ था, वह कम्युनिटी सेंटर वार्ड 2 व ब्राह्मण मोहल्ले के वासियों के सुपुर्द हुआ और वहां पर सुविधाएं शुरू हुई। बुचेश्वर मंदिर के पीछे गंदे जोहर का मिट्टी से भरत किया गया और वहां पर ओपन जिम लगाने की कार्यवाही शुरू की गई। खरखुदा कोर्ट नई जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया और वहां पर न्यायालय की कार्यवाही चल रही है। मारुति कंपनी की आधारशिला के बाद खरखुदा में जमीनों के रेट एक बार फिर से आसमान छूने लगे। करीब 5 से 15 हजार प्रति वर्ग गज रेट बढ़ा। इस तरह से प्रति एकड़ 1 करोड़ से 7 करोड़ तक का रेट पहुंच गया। नेक्स्ट्रा सिटी के अलावा 2 अन्य लाइसेंस युक्त डेवलपर भी खरखुदा में आ गए। खरखुदा शहर को जाम मुक्त करने के लिए डिवाइडर की व्यवस्था की गई, लेकिन शहर जाम मुक्त नहीं हुआ। ऑनलाइन प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में इस शहर उलझे रहे। किसी की प्रॉपर्टी आईडी किसी दूसरे के नाम चढ़ा दी। शहर को कूड़े के ढेरों से निजात दिलाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया। वकील सुरेश दहिया खरखुदा बार प्रधान बने। तो मैं प्रशासन की तरफ से, उपमंडल की तरफ से, जिला प्रशासन की भी तरफ से सभी खरखुदा वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मैं कामना करती हूं कि आने वाला नया साल आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए और आप लोग जो चाहते हो आप अपने अचीवमेंट को सफलता मिल जाए। धन्यवाद। मेरा नमस्कार, मैं वेद प्रकाश प्रधान, कन्या महाविद्यालय खरखुदा। आप सभी क्षेत्रवासियों को कन्या महाविद्यालय परिवार की तरफ से नए साल 2023 की बधाइयां देता हूं। साथ ही आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि कन्या महाविद्यालय की मेंबरशिप 2 जनवरी 2023 तक खुली हुई है। जो व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है, काले से फार्म लेकर 2 जनवरी तक कॉलेज में जमा कराए। धन्यवाद। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सके। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखुदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पुल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, ट्यूबरक्लोसिस एंड इन्फेक्शियस डिजीज, डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक ब्रोनोस्कोपी, डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक थेरोस्कोपी, एलर्जिक डिजीज एंड एलर्जी स्किन टेस्टिंग, पुल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग। प्लीज कॉन्टैक्ट डॉक्टर अविनाश चौहान। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डायल 7056511118199349349. खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।